अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पनीर बटर मसाला बनाने की रेसिपी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई को लिया और उसमें मैंने जो आपकी स्क्रीन पे ये इंग्रेडिएंट्स हैं उसको मैंने एक मिनट के लिए सॉटे किया है। इसको हम एक मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे टोमेटोज लिए हैं, उनको मैंने रफली चॉप किया और उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने 8 या 9 टोमेटो आराम से ले सकते हैं। इसको मैं चॉप करके इसमें डाल दूँगी अपनी कढ़ाई में और उसको उस पर मैं सॉल्ट डालूंगी 1 टीस्पून। 1 टीस्पून सॉल्ट डालकर हम इसको थोड़ी देर पकने के लिए रख देंगे, जब तक कि आपकी जो टोमेटो हैं वो गल नहीं जाते। इसको कवर करके हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, मैंने इसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ा था, तो ये टोमेटो मेरे कुछ इस तरह के हो गए हैं। ये बिल्कुल लटपटा जैसे हो गया है। इसका मतलब ये कि ये पक चुका है। अब आप इसको एक बाउल में निकाल लीजिए, बाउल में, और इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। अब ये मेरा ठंडा हो चुका है, तो अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। इसको हमें बिल्कुल फाइन ग्राइंड करना है, इसमें कुछ थोड़ा सा भी दरदरापन नहीं रहना चाहिए। ये देखिए, मैंने सेम कढ़ाई में अपना थोड़ा सा मैंने इसमें घी डाला है। आप चाहें तो आप यहाँ पे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा बटर, क्योंकि पनीर बटर मसाला है तो बटर तो जाएगा ही इसमें, तो मैंने इसमें बटर ऐड किया। इसको थोड़ी देर हल्का सा इसको बस गर्म करेंगे। उसके बाद में मैं यहाँ पे डालूंगी कसूरी मेथी 1 टीस्पून, और मैं यहाँ पे डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, कार्डमम 3, और यहाँ पे मेरे पास 400 ग्राम ये पनीर है, और ये मेरे पास है कोरिएंडर लीव्स। ये देखिए, मैंने इसको बिल्कुल अपने इसको फाइन नूडल्स का पेस्ट बना लिया। इसमें किसी भी तरह का कोई दरदरापन नहीं है। तो यही एक सीक्रेट है बिल्कुल पनीर बटर मसाला बनाने का, कि आपके आपका जो पेस्ट है बिल्कुल फाइन होना चाहिए। ये देखिए, मेरा बटर भी इसमें अब ये गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अपनी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी मैंने डाली, इसको थोड़ा सा सॉटे करेंगे, फिर इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसको भी थोड़ा सा सॉटे करेंगे, गरम मसाला 1 मिनट के लिए बस हम इसे भूनेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना, वरना मेरी जो मिर्च हैं वो जल भी सकती हैं। कार्डमम डाल दिए यहाँ पे मैंने। अब मैं यहाँ पे इस स्टेज पे इस पर डालूंगी कोरिएंडर लीव्स। यहाँ इस स्टेज पर अगर आप कोरिएंडर लीव्स डालेंगे तो उसका जो आपकी जो पनीर बटर मसाला है उसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा। इसी स्टेज पे आप कोशिश करें कि इसी स्टेज पे आप कोरिएंडर लीव ज़रूर डालें। देखिए, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए बस सॉटे किया है। अब इसमें जो हमने अपनी ग्रेवी थी वो डाल देंगे। मैंने इसको ऐड कर दिया है। पूरा इसमें से पूरा अच्छे से इसके अंदर डाल देना है। हल्का सा इसमें से थोड़ा सा आधा कप के करीब आप इसमें हल्का सा पानी डाल लीजिए, ताकि जो आपके साइड में जो लगा हुआ है इसमें जार में, ये सब इसमें आ जाए। ये अब इसका मेन चीज़ है, इसको आपको पकाना। आपकी ग्रेवी आप जितनी देर तक आप इसको पकाओगे उतना ही वो अच्छा रिजल्ट आएगा उसका, पनीर बटर मसाले का। ये देखिए, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया है, और अब मैं इसको कवर करके कम से कम 20 या 25 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। अब देखिए, मेरा ये मैंने 20 या 25 मिनट बाद मैंने अपने आपको बीच में इसको चलाते भी रहना है, कहीं ऐसा ना हो आपको वो नीचे लग जाए, इसलिए मैंने इसे बीच में चलाया था। उसके बाद मैंने इसको खोल के देखा तो ये मेरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी टोमेटो पेस्ट 2 टेबल स्पून, ये मैंने इसमें ऐड किया। यहाँ पे आप कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, उससे आपको ज़्यादा रिचनेस आएगी।
आपकी यहाँ पे मेरे पास अभी था नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे टोमेटो पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इससे भी आपका काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन जो रिचनेस आती है वो कंडेंस मिल्क से ज़्यादा अच्छी आती है। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दी है इसमें। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अब क्रीम, ये फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ मैं इसमें। ये मेरे पास तीन टेबल स्पून के करीब होगी। आप चाहे तो घर की भी आप यूज़ कर सकते हैं, अभी मेरे पास घर की नहीं थी इसलिए मैंने बाजार की यूज़ की है। और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए और पकने के लिए छोड़ेंगे। ये देखिए ये अब तकरीबन पक ही चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी पनीर को। मेरे पास यहाँ पे 400 ग्राम पनीर है, इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मैंने इसमें पनीर ऐड कर दिया और इसको एक अच्छा से मिक्स देंगे। और इसको पनीर डाल के आप इसको कुछ ज़्यादा देर तक आपको इसको नहीं पकाना है। अगर ज़्यादा देर तक आप इसे पकाओगे तो थोड़ा रबड़ी टाइप का हो जाएगा। ये देखिए मेरा जो ये है बिल्कुल पके तैयार हो चुका है पनीर बटर मसाला, मेरे सर्विंग डिश में निकाल लिया है और ये बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। आप देख सकते, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।